इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वालों को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। दरअसल 13 अक्टूबर 2023 को ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें मोहम्मद गुलाम और असद मारे गए थे। वहीं अब एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिलेगा। एसटीएफ टीम के 6 सदस्यों सहित कुल 17 पदाधिकारियों को ये सम्मान मिलेगा। मैं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी थे ये दोनों आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वालों को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। दरअसल 13 अक्टूबर 2023 को ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें मोहम्मद गुलाम और असद मारे गए थे। वहीं अब एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिलेगा। एसटीएफ टीम के 6 सदस्यों सहित कुल 17 पदाधिकारियों को ये सम्मान मिलेगा। मैं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी थे ये दोनों आरोपी।